अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे सूजी का हलवा। इसके लिए हमें चाहिए 1 किलो सूजी और 1 किलो ही हमें घी चाहिए होगा। घी में हम 12 से 13 इलायचियों को अच्छी तरह से कड़कड़ा लेंगे, फिर इसमें बादाम फ्राई करके निकाल लेंगे। उसके बाद सूजी को डालकर 5 से 10 मिनट के लिए भून लेंगे। जब इसमें से भीनी भीनी खुशबू आनी शुरू हो जाए, फिर इसमें 1 किलो के करीब दूध शामिल करेंगे। दूध शामिल करते हुए आंच को बिल्कुल धीमा रख देना है। अब असल काम शुरू होगा। शुरू में इसको हिलाते रहने हैं, बिल्कुल जीरो मध्यम आंच रखने में, और अब बाजुओं की ताकत दिखानी है और इसे मुसलसल हिलाते रहना है जब तक अपना मतलूबा कलर ब्राउन, लाइट ब्राउन या रिक्वायर्ड कलर ना आ जाए। दूसरी तरफ सूजी के लिए शीरा तैयार करें। 3 पाव पानी में 1 किलो चीनी शामिल करके पकने के लिए रखें। सूजी को हिलाते रहिए, हिलाते रहिए, बिल्कुल धीमी आंच। इसको चेक करने का एक तरीका है, शीरा हमारा तैयार हो रहा है, पानी खोलना शुरू हो गया, चीनी अच्छी तरह से पिघल गई है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। दूसरी तरफ सूजी ऑलमोस्ट 30% भुन चुकी है। मज़ीद इतना ही 10-15 मिनट लगेंगे सूजी का मतलूबा रंग आने में। इसको चेक करने का तरीका यह है कि एक प्याली में थोड़ा सा हलवा डालकर चेक करेंगे, क्योंकि पानी में सूजी डलते ही अपना कलर लाइट कर देती है। अगर तो मतलूबा रंग नहीं आया तो सूजी को मज़ीद भुनेंगे। जब सूजी अच्छी तरह भुन जाएगी और मतलूबा रंग आ जाएगा और ऑयल चमकना शुरू हो जाएगा, बुलबुले ऑयल के पैदा हो जाएंगे, तो इसमें शीरा शामिल करेंगे। शीरा शामिल करते हुए बहुत एहतियात से डालना है, क्योंकि एकदम से सूजी गर्म होती है तो स्टीम से हाथ जलने का खतरा रहता है। धीरे धीरे शीरा शामिल करके मुसलसल हलवे को हिलाते रहेंगे। फिर इसमें बादाम, पिस्ते, क्रश किया हुआ खोपरा डालकर इसे अच्छी तरह से हिला लेंगे, ताकि हलवे में तमाम मेवाजात शामिल हो जाए। यम्मी सी शक्ल नज़र आनी शुरू हो गई है। हलवे से चमकना शुरू हो गया है। मज़ीद इसमें लवाज़मात तैयार करके शामिल करेंगे, बादामों से, पिस्ते से गार्निश करेंगे। खूब
सारा खोया डालेंगे और गर्मा गर्म हलवे को एंजॉय करेंगे। हलवे के साथ नरम नरम पूरियां तैयार कर लें। वैसे ही ये हलवा बहुत मज़े का लजीज तरीन हलवा तैयार है। इस हलवे को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हलवे में घी अगर देसी हो तो क्या ही बात है, हलवे का लुत्फ दुबाला हो जाएगा। यकीनन आप इस रेसिपी को तैयार करेंगे और लजीज हलवे को एंजॉय करें। थैंक्स अ लॉट वॉचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल।